गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने एक श्लोक कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरे से नित्य जुड़ा हुआ है, नित्य मेरी भक्ति करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। यानी उसको जिसकी आवश्यकता है मैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता हूं। वृंदावन के महान संत अनंत विभूषित श्री अखंडानंद जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे कि भगवान किस तरह से योगक्षेम का वहन करते हैं। तो कहते हैं एक जंगल में एक हनुमान जी का मंदिर था और वहां पर एक पंडित जी हर दिन आके भगवान को कथा सुनाते थे। उनका ये दृढ़ भाव था कि ये कथा हनुमान जी सुनते हैं, हनुमान जी हमारे श्रोता हैं, और बड़ा प्रसन्न वो होता था कि हनुमान जी को इस कथा में आनंद आता है। महीने भर वो कथा चल रही थी। अब हनुमान जी ने देखा कि एक महीने से कथा चल रही है और यहां कथा में तो कोई भी आता नहीं है, तो बोले अब कथा का अंतिम दिन पास में आने वाला है, पूर्णाहुति होने वाली है, कुछ दक्षिणा का इंतजाम होना चाहिए। तो संयोग से पूर्णाहुति के एक दिन पहले एक व्यक्ति वहां आए। हनुमान जी ने उनसे कहा कि देखिए अब कल इस कथा की पूर्णाहुति होने वाली है, कुछ दक्षिणा इनको देनी चाहिए, महीने भर से कथा सुना रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा महाराज कितनी दी जाए? तो बोले 1000 रुपये की दक्षिणा तुम लेके आना कल, वो इनको हम दे देंगे। अब हनुमान जी की और इस व्यक्ति की बात एक तीसरे लोभी व्यक्ति ने सुन ली। वहां पर उस समय पंडित जी नहीं थे। अब इस व्यक्ति ने सुन लिया कि अच्छा कल जो दक्षिणा आएगी 1000 रुपये, अब इसको हमको लेना चाहिए, क्या करें? तो कहते हैं वो पंडित जी थोड़ी देर के बाद आए और इस लोभी व्यक्ति ने उनसे कहा कि महाराज कल पूर्णा होती है। बोले हाँ। तो बोले चलो हम आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठेका जिसको कहते हैं, कि जितनी दक्षिणा आएगी वो आप मुझको दे दीजिए, मैं आपको 200 रुपये देता हूं, कल जो दक्षिणा आएगी वो मुझको दे दीजिए। अब वो पंडित जी सोचने लगे कि कोई तो आता नहीं, कल क्या दक्षिणा मिलेगी, चलो इसने 200 रुपये दिए, चलिए वही ठीक है रख लिए। अब हुआ ये कि दूसरे दिन पूरी कथा सुनाई और वो तो भाव में तन्मय तल्लीन पंडित जी थे, उनको ख्याल भी नहीं कि आज पूर्णाहुति इत्यादि है। तो कथा पूरी होने के बाद पोथी पत्री उन्होंने सब समेटी और चलने लगे। अब ये जो लोभी व्यक्ति था वो वहां पे आया, वो इस अपेक्षा में था कि आज तो 1000 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन देखा तो वहां कोई भी नहीं आया, पंडित जी को किसी ने कोई दक्षिणा ही नहीं दी। अब वो व्यक्ति हनुमान जी के ऊपर बड़ा गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा कल तो आपने कहा था कि आज 1000 रुपये लेकर एक व्यक्ति आएगा और वो दक्षिणा देगा, मैंने तो पंडित जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, कोई आया नहीं। अब वो जो व्यक्ति था बड़ा गुस्सा हुआ हनुमान जी पर, और गुस्से में व्यक्ति क्या कर बैठेगा कुछ पता नहीं, उसने हनुमान जी के विग्रह पर ही लात मार दी।
अब हुआ ये कि वो जो पैर है वो हनुमान जी के विग्रह से सट गया, निकले ही नहीं। प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। हनुमान जी कहने लगे, ऐसा है 200 रुपए तो तुमने पहले दे दिए हैं पंडित जी को, हमने सोचा था 1000 रुपए पंडित जी को हम दक्षिणा देंगे, अब 200 रुपए तो आपने दे ही दिए, अब 800 रुपए और दो तब जाके ये पैर तुम्हारा है ना ये छूटेगा, ये तो बंदे रहोगे तब तक। बेचारा क्या मरता क्या ना करता, उसने हनुमान जी से वादा किया दे दूंगा मैं, गलती हो गई तो 800 रुपए पंडित जी को दिला दी, 1000 रुपए उनको मिल गए। तो देखिए ये लोभी व्यक्ति, इसने हनुमान जी का एक अपमान किया, धन के प्रति लोभ था इसलिए बताइए ठेका ले लिया कॉन्ट्रैक्ट। हनुमान जी ने देखिए योगक्षेम का वहन किया उन पंडित जी का, क्योंकि गीता में भगवान ने वचन दिया ही है तो उसके अनुसार हनुमान जी ने वो वादा जो है पूरा निभाया।